नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मयूर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ कार्डिंग को। ये मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कार्डिंग का एक्सपोज होगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो मैं बहुत बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाऊंगा विद प्रूफ, और आपको दिखा दूंगा कि क्या सब होता है, और आप खुद बोलोगे कि भाई इसने बहुत बुरी तरीके से कार्डिंग को एक्सपोज किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप अभी अगर टेलीग्राम वगैरह पे जाते हैं तो आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगी कि आई एम अ कार्डर। अब भाई वो कार्डर किस चीज़ के है वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। उनकी कभी चीज़ें कुछ पॉसिबल होती नहीं, सभी साले फ्रॉड करते हैं, दो कौड़ी के हैं वो, और कोई मतलब नहीं है उनका। यानी अगर आप पैसे भी दे रहे हो तो वो आपके पैसे चले जाएंगे। सबसे मेन थिंग ये होती है कि आप जब नए नए टेलीग्राम पे जाते हो तो आप एकदम से चकरा जाते हो, अरे भाई ये क्या चीज़ है। वो तो फोटो भी डाल देते हैं कि भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, ट्रैकिंग नंबर भी दे देते, सब कुछ चीज़ ये एक्सपोज कर दूंगा आपको। जैसे वो आपको चीज़ बना के दिखाते वैसे मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन मेन थिंग ये है, ये सिर्फ मैं आपको उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ आप सभी को। मैं यानी आपको ऐसा ट्रेन कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ें में नहीं जाएं, इनसे बचें, और वो आपको किस प्रकार पागल बनाते हैं ये सभी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे मेन थिंग आती है, आप जैसे टेलीग्राम डाउनलोड करते हो तो आपको कार्डर की एड्स जरूर दिखती है। अब आपको बता दूँ कि अर्निंग के सोर्स बहुत ज़्यादा है टेलीग्राम में, तो एक कार्डिंग बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स है। और डेली लगभग 2 लाख का, एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उसमें बोलते हैं 2 लाख लोग डेली फ्रॉड करते हैं कार्डिंग का इंडिया में। 2 लाख रुपए डेली का सोचो, एक महीने में कितने हो रहे पैसे ये देखो। अब ठीक है, आप गए टेलीग्राम पे, आपने देखी रेड, भाई आप नए बंदे हो टेलीग्राम पे, आपने देखा और भाई फ़ोन इसने जो डिलीवरी का स्क्रीनशॉट भी दिया, अमेज़न का भी स्क्रीनशॉट दिया, ऑर्डर प्लेस हो गया है, मेरा नाम भी आ रहा है डिलीवरी एड्रेस में। रुको, सब कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला बहुत बड़ी एक्सपोजिंग है। ये आज की YouTube की हिस्ट्री में सबसे बड़ी एक्सपोजिंग है इंडिया के अंदर, पूरी प्रूफ दिखेगा आपको। जहाँ तक हम कहाँ पे थे, हमने गए टेलीग्राम पे, हमने देखा फोटो। अब आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आता हो कि भाई वो जो बंदा है वो ऑर्डर दे देता सबसे कम में, यानी इतने 2000 रुपये में आईफोन 11 प्रो, 1+70, ये सभी 6, 1+60, ये सभी 2000 रुपये में आ रहे हैं, 1000 रुपये में, 3000 रुपये में, तो आपका मन ललचल जाता, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ जादू हो गया, मिरेकल। तो आप क्या करते हो, उसको ऑर्डर देते हो तो वो आपका ट्रस्ट बनाने के लिए क्या करता है, फ़ोटोशॉप का यूज़ करता है कि भाई फ़ोटोशॉप में जाता है अमेज़न की। अब मैं आपको वो फ़ोटोशॉप कैसे करता वो भी आपको दिखा दूँ, लेकिन यार पंगा पड़ जाएगा कि भाई मैं हैकिंग सिखा रहा हूँ, यानी फ्रॉड करना सिखा रहा हूँ, वरना वो भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं आपको एक रफ टप एक आइडिया दे दूंगा कैसे होता है। तो आपको बता दूं कि एक ऐप आती है पिक्सार्ट, या शायद जैसे कुछ ऐप का नाम है वो आती है, उस ऐप के अंदर पिक्सार्ट में आप जाओ, आप पहले एक फ़ोटो ले लो आपके मेन अमेज़न की, आपका कोई से भी पुराना ऑर्डर हो उसकी फ़ोटो ले लो, उस फोटो के बाद में जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोड है वहाँ दूसरी फ़ोटो लगा दो, जो भी आईफोन 11 की लगा दो, जहाँ पे आपका नाम आ रहा है वहाँ जिसने ऑर्डर किया उसकी फ़ोटो लगा दो, डिलीवरी एड्रेस पे आप उसका डिलीवरी एड्रेस डालो। ये भैया बिल्कुल फ़ोटोशॉप से हो गई एडिट। अब आपको लग रहा भाई अमेज़न के पेज पे तो हो गया, अब आप सोच रहे होगे कि भाई वो तो डिलीवरी की ट्रैकिंग नंबर भी दे देता है, ये कैसे हो रहा है। रुको, मैंने क्या बोला, इंडिया की सबसे बड़ी है, तो मैं यानी ऐसे छोटे मोटे प्रूफ लेके तो नहीं आऊँगा। अब आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट आती है यानी शिप रॉकेट, यानी अलग अलग बहुत सारी शिपिंग वेबसाइट है। तो क्या होता है, उसमें आप अगर कस्टमर की डिटेल डालते हो तो वो सिर्फ ऑर्डर हो जाता है, और बहुत कम रुपए में, शायद 50-60 रुपये में कुरियर बुक भी हो जाता है, आपको ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएगा, आपको आपकी डिटेल भी दिखाने लग जाएगा कि भाई हाँ। तो वो बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो कि कुरियर की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो क्या करते हैं वहाँ से ऑर्डर मार देते हैं कि हाँ, उसमें वो भी मांगता है कि प्रोडक्ट क्या जा रहा है, तो बेसा का बेसा स्टिकर बन जाता है। जैसे मैंने अभी एक टी शर्ट भेजी एक भाई को, तो आप सभी को पता है कि कस्टम टी शर्ट का मेरे पास बिजनेस है, मैं टी शर्टें प्रिंट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ टी शर्टें सेंड किया करता हूँ, तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप पहले ही कुरियर रजिस्टर करके ट्रैकिंग नंबर दे सकते हो। तो मेरे एक सब्सक्राइबर, उनको मैंने दिया भी है, ध्रुव रॉयल, शायद वो नीचे कमेंट करेंगे, तो आप जानते हो कि उनको मैंने पहले ही ट्रैकिंग नंबर दे दिया। हाल फिलहाल उनका जो कुरियर है वो पिक हो चुका है मेरे पास से, यानी मैं तो एक जेन्युइन बंदा हूँ। तो क्या होता है कि उसमें जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाओगे, उसमें कस्टमर, ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें दिख रहा है ना, एक तरफ आपको सभी ये डिटेल दिख रही ना उसकी कि भाई ये मैं भेजने वाला हूँ, ये लेने वाला, और क्या जा रहा है ये देखो, यहाँ पे बीच में लिखा भी है कि भाई टी शर्ट जा रही है मेरे तरफ से, तो यहाँ पे वो आईफोन 11 प्रो लिख देगा। अब आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये फेक बंदा है, अब इतना धांसू का आपको प्रूफ दे देगा वो, फिर आपको तो लगेगा भाई आ गए ट्रैकिंग नंबर आ गए, आप हाफ पेमेंट उसको और कर दोगे, भाई अब आप पागल बन गए। वो आपके कुरियर को दूसरे दिन कैंसिल कर देगा, या उसी समय कैंसिल कर देगा, आपने पेमेंट भेजी कैंसिल,
अब आप सोच रहे होगे कि भाई यूपीआई में भी एक ऑप्शन आता है, अगर उसने यूपीआई आईडी तो क्या मैं उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ यूपीआई आईडी के थ्रू? तो जी हाँ, नहीं बिल्कुल हाँ नहीं कर सकते हो। यूपीआई में एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप कस्टम यूपीआई बना सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, आज किसी और नाम से बना देगा, कल किसी और नाम से बना देगा। तो आज जो आपको आपने उस वो जो बंदा है, अगर मैं हूँ आपको यूपीआई आईडी दे रहा हूँ मयूरेश बिश्नोई करके, तो वो मैं उसको आधे घंटे आप पेमेंट करो, मैं चेंज कर दूंगा लखन के नाम से। अब आप मेरा उस मयूरेश बिश्नोई वाली यूपीआई आईडी के कोई डिटेल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैंने उसका यूज़र नेम ही चेंज कर दिया, यूपीआई आईडी का वीपी एड्रेस मैंने चेंज कर दिया। अब आप तो मेरी डिटेल ही नहीं निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे भाई उसने उसका मोबाइल नंबर भी दिया व्हाट्सएप का। अब आपको बताऊँ, ये फर्जी सिम आती है, आप सभी को पता है, आपके बाजार में 50-100 रुपये में मिल जाती है, तो वो फर्जी सिमें हैं, तो उसके कारण वो व्हाट्सएप चला लेते। वो क्या मालूम किस बंदे के नाम से, आपको उसका ओरिजिनल नाम शिवम होगा और वो अनिकेत के नाम से चल रही होगी वो सिम, ऐसा फंडा। वो बोल देगा बात कर लो, बात भी कर लोगे तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि उसने पेटीएम नंबर दिए, भाई मैंने यूपीआई की जगह उसके पेटीएम नंबर लिया। अब आपको बताऊँ, पेटीएम के अकाउंट 2-2 हज़ार रुपये में बिकते हैं, एक वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। उसमें आप जाओगे तो आपको 2 हज़ार रुपये में केवाईसी करी हुई आपको जो आईडी है पेटीएम की वो मिल जाएगी। यानी फ्रॉड बहुत तरीके का लेवल का होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पैसे कैसे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई कोई किसी कोई लूटता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बंदे लूटा जाते हैं। एक मेरे भाई है विक्रम, 50,000 का कैमरा लिया है, उनसे मैंने मेरे से बात करते वो तो मैं उनको मना कर देता, मेरे अपने खास डेली बात होती, उन्होंने तो भी मेरे सामने बात नहीं रखी। बाद में जब रिप हो चुके हैं फिर मेरे को बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। अरे कोई भी पॉसिबल चीज़ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो ना कि टेलीग्राम के एक जो है ये कार्डिंग कर देंगे, अरे यार क्या मजाक वाली बात कर, डार्क वेब पे भी आप कार्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डार्क वेब पे 70% तो पुलिस हैकर बन के बैठी हुई है। आप उनसे डील करो, वो आपको पकड़ लेंगे, आप कहाँ से पेमेंट कर रहे हो आपको जेल डाल देंगे कि आप डार्क वेब यूज़ कर रहे हो, तो ये कोई है ही नहीं। तो सबसे मेन बात कि आपको पागल बना दिया जाता है फोटोशॉप के थ्रू, अमेजन की एक पेज ऑर्डर पेज आपको सेंड कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, कुरियर ट्रैकिंग डिटेल्स आपको इसलिए मिल जाती है क्योंकि एक वेबसाइट आती है जो कि कुरियर का सर्विस काम करती है, जो आपको कुरियर सेंड करती है, उसके कारण आपको जो है वो डिटेल्स आपको शो करता है, और वो अगले आधे घंटे बाद आपकी पेमेंट आए बाद उस कुरियर को भी कैंसिल कर देता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तीसरी बात, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करोगे तो साइबर क्राइम भी अपने हार्ट टेक देगी क्योंकि ना तो उनको एड्रेस जो यूपीआई एड्रेस उसकी डिटेल मिलेगी, ना पेटीएम नंबर की, ना उनकी कॉलिंग जो नंबर है उसे आप उससे व्हाट्सएप पर बात करो उसकी मिलेगी, तो आपके पैसे चले गए। तो बस यही चीज़ थी आज की इस वीडियो में, मैंने बहुत बड़ा खुलासा किया। आपको कोई नहीं बताएगा कि ट्रैकिंग नंबर कैसे जनरेट करके दे देते हैं आपको, अमेजन का पेज कैसे जनरेट करके दे देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट इतने रियल स्क्रीनशॉट कैसे होते हैं उनके। तो बस यही फंडा है। तो भाई एक आखिरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ कार्डिंग में भरोसा मत करना, कोई कितना भी जेन्युइन है कोई नहीं है जेन्युइन, जेन्युइन तो है ही नहीं, मैं तो मानते ही नहीं हूँ कि टेलीग्राम में कोई जेन्युइन है। डार्क वेब में भी जेन्युइन नहीं है क्योंकि वहाँ पर पुलिस बैठी है, पुलिस अपना अकाउंट लेके बैठी हुई है, आपको लग रहा है हैकर कोई बात कर रहा है, सामने पुलिस है। पेमेंट करो और आपके एड्रेस पता चले उनको, इसके बाद में आपके यहाँ अगले दिन देखो माहौल। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि मैं जो पॉइंट आपके सामने ला के रख रहा हूँ कार्डिंग के रिलेटेड कि आपको किस प्रकार रेप कर रहा है, वो आपके दिमाग में गया होगा पॉइंट। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि सपोर्ट हो जाए भाई को। बस यही था आज की इस वीडियो में, कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, ओबे ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.